हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज है ना, सुबह सुबह मैंने अपने भाई को स्पेशल नाश्ता बना करके दिया है। भाई को क्या, सबको दिया है। और उसने तो पहले मनाई कर दी थी, आज मैंने बनाई है दाल की पकौड़ी। दाल की आज मैंने बनाई है दाल की पूड़ी। और वानी को आज सारे के सारे बाल कटिंग करा दिया है, ये देखिए, गंजी करा दिया मेरे बेबी को। इसके पापा ने आ जा सोना 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 सोना। और इतनी रोई है ना कटिंग कराते टाइम, बहुत ज्यादा, बस रोने की तो हद थी। एक तो इसमें खून की कमी है, रोते रोते थक गई थी। आ जा मेरे बेबी, आ जा। और स्कर्ट निकाल ली थी इसकी पहनाने के लिए। आवाज भी थोड़ी चेंज होगी इसकी। हाँ, आज तो मेरे बेबी की आवाज भी चेंज हो गई रे। देखो जी, देखो, बिल्कुल वाइट वाइट टकला टकला। और इसके मम्मा इसका लाड़ कर रही है, लेकिन ये है ना, देखे जा रही, बस देखे जा रही। बिल्कुल नहीं जाती गोद में तो। और ये तो नहीं नहीं कर ली थी मम्मा से भी पहले इसने तो। सबसे पहले उठ जाए, सबसे पहले सो भी ली। हाँ, दोपहर की नींद ले ली इसने। सो रहा बड़ी सयानी, अट्टी बट्टी कर दे मम्मा की। अभी मेरा बारह फोन दे, फोन ले अपना, ले ले बे, दे अपना। खरगोश की तरह आगे दांत तो नीचे के दो। हाँ, डाल ले डाल ले डाल ले। हे ये पता भाई, दे तो। हाँ, इस पे तो भाई मेरी टकली टकली अकली। चलो 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 चलो, मेरी टकली टकली अकली, चला के दिखाइए। अभी बर्थडे में से आ गए हैं हम। बर्थडे है ना, दिन में ही मना लिया, क्योंकि है ना सैली को है ना अपनी ड्यूटी के लिए जाना था। हाँ बेटा, और बच्चे भी आ गए, इधर बर्थडे बॉय भी यहाँ पे है। और ये रहा बर्थडे बॉय, और कन्नू का जो दोस्त है, ये कन्नू का दोस्त भी है। और केक मुँह पे लगा रखा। वैसे यार 4 साल ये भी तो होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर वेदांत। पीछे हो जाओ। टू यू हैप्पी बर्थडे टू वेदांत, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेदांत तो गया डर। ये फूड नहीं रहा, ये तो वो ही नहीं हुआ, बेकार। दो दो चलो साथ में, दो दो अभी गिफ्ट दो भाई। कहाँ गया वेद? वेद कहाँ गया वेद? चलो भाई वेद, गिफ्ट लो भाई आराम से। ये देखो इस तरीके से देते हैं गिफ्ट। और ये वेदांश, तुम मेरे को ये दान दे। वेदांश पैर छो भाई, तेरे को मैं डाल दिया ले 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 लो बुआ से गिफ्ट। भाई बुआ से गिफ्ट ले ले यार, वेदांश को दे भी खिलाएगा ना। खिलाइए भाई, भाई वेदांश से कर तो दे थोड़ी सी सहायता। वेदांश अरे ये है तन्वी, और इसका मुंह गंदा कर दिया केक से। ये है तन्वी की मम्मा, और ये है चाचू, और ये ताई, और ये है दादी। वाणी का मेरे हाथ से केक खा रही, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही खिलाऊंगी टेस्ट के लिए, इसे ज्यादा नहीं कि पेट भर के खिला दिया। आ करो आ करो आ करो आ करो यार, कैसा भी नहीं खाती। ये देखो ये देखो देखो, आगे आगे कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, नहीं खाती। ये चिड़िया का घर टूट जाएगा। मम्मे, हाँ इसको कैसे हटाऊं? इसको हटा ही नहीं सकते कोई भी। क्यों
क्योंकि ये पापा ने एडिटिंग कर रखी है। आज बर्थडे के बॉय को कैसे लग रहा? अच्छा, अच्छा लग रहा। लाओ ये है ना, ये रस्सी से निकाल देती हूँ। रुक जाओ किधर से इतनी लंबी कर रखी है, अंदर कर लो इसे। यही लगा ले बस। ये आते हैं और इस तरीके से शरारत करते हैं। गंजी नहीं कहते, तुम्हारी बहन है बेटा वो। वानिका ने कैप लगा ली है और ये देखो बार बार उतार रही है। हम आज के कैप लगा रहे हैं, जो घर पे वो लगाता ना वो वाली कैप, लेकिन आज बार बार उतार देती है ये। तो ये जो टकला है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा आज। और इधर अमरूद खाए जा रहे हैं बिल्कुल छिल्ला का, अलग अलग उतार के। साफ सफाई मैंने कर दी है दूसरी बार सुबह से, है ना। ऐसे चला कंप्यूटर का, यू ऐसे चलता है कंप्यूटर, ड्रेसिंग टेबल भी और कंप्यूटर की भी मेज और बेड भी साफ। और दोपहर में इतना गंदा कर देते हैं ना, बहुत गंदा। आजकल इसके पापा भी यही है ना। हाँ, गाने नहीं बजा रहा कुछ भी है। ऐसे इधर तब चलता है इसमें, है ना। आप इसके लिए एक एलईडी ले आओ, इधर तब चलता है ना, दोनों तरफ से चलता है। क्या इधर से भी आवाज आई मुझे कन्नू की, कुछ पानी पीने की। ये देखो वाणी का ढूंढने के लिए आई है अपने भाई की चीज। क्या हुआ? कंप्यूटर चला के आई है बहुत अच्छी तरह से और अब बाहर आई है बहुत देर में। अब मुझे कुछ काम कर लेने दो। और बस यहाँ पे मैट डाल दी है वानिका के बैठने के लिए। इधर कमरे में तो साफ सफाई बार बार करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे बस एक चारपाई डली रहती है, वो भी मैंने मम्मी बाहर डाल दी, क्योंकि मम्मी बाहर लेटने के लिए गई थी ना थोड़ी देर के लिए, इसलिए। और कुकर में आज बनाई है मसूर की दाल इसलिए बनाई है क्योंकि रवि ये कह रहा कि सिंपल सा खाना बनाना, पूरी पराठे और ये राजमा चावल खा के मैं परेशान सा हो गया हूँ थोड़ा सा, तो सिंपल खाना। वैसे तो ताऊ की तबीयत खराब, पर ताऊ जी ले रहे हैं पूरा एंजॉय वानिका के साथ में, पूरी मस्ती चल रही है घुमाने में। तो हाँ भाई साहब, ये रेस्ट बढ़िया करा रही है वानिका, थका रही है। हाँ वानिका, कहाँ कहाँ घूमने जा रही हो? वानिका को पकड़ के इसलिए रखना पड़ता है, वानिका पे चलना तो आ गया है पर वानिका उसको पलटा लेती है। हाँ वानिका देखो ऐसे पलटा लेती है, कभी कभी डर लगता है। तो वानिका के साथ साथ में ताऊ जी को रहना पड़ता है भाई। और इधर जो बंदूक आई थी ना, अभी बंदूक आई थी, ये पैसे की बर्बादी कर रहा है पूरा कन्नू। अभी एक 60 रुपये की बंदूक लेके आया था, 60 रुपये की, और मैंने कहा था भैया लोकल बंदूक है जल्दी टूट जाएगी मत लाओ। तो मुझे ये बोला उसने कि लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, आपको दुआने से मतलब है, है ना। और एक ही पटाखा पटकाया उससे और वो टूट गई। तो क्या फ़ायदा हुआ? दूसरा भी जला के दी, फिर टूट गई है। तो क्या फ़ायदा हुआ? तो हमारे जो पैसे हैं उससे हम खेल भी नहीं पाए। तो हुआ तो नुकसान ना कुल मिला के, ठीक हो जाएगा क्योंकि इंजीनियर भी है ना ये, इसको ठीक भी करेगा। वो पेंच हुआ था वो भी मिल गया इसको। मैंने कभी थक गई है, थक के थोड़ी देर सस्ता आएगी और कलर उठा लिया है, कलर करेगी अभी। देखो ये देखो कलर उठा लिया आपने। घुटले बिल्कुल चलना पसंद नहीं है भाई, घुटने खराब हो जाएंगे, है ना, क्यों थके। अपना माटो चलना ही ठीक है। तो मम्मी बाल कटने के बाद में कैसी लग रही है आज वानिका? बढ़िया लग रही है बाल कटने के बाद में। टोपे का भी आ गया, थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी। मम्मी ने तो सो ओढ़ लिया आज। उधर बॉबी ने सभी के लिए खाना रेडी कर दिया है फिर से एक बार। आज तो अब तो जैसे घर पे रह रहे हैं ना, दो दिन से घर पे हूँ मैं, तो तीन तीन टाइम खाना खा रही है, सुबह दोपहर और शाम। तो बॉबी को तो मुझे लगा तवाई आ रही होगी। बॉबी कहाँ, मैं एक टाइम खाना खाता था आके शाम को, और कहाँ दो टाइम और खा रहा हूँ एक्स्ट्रा। चलो धन्यवाद वो भी, बस आज आज का है, कल से फिर अपनी ड्यूटी पे रेडी हो जाएंगे, है ना। कल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम पूरे दिन, हमारी गलती सलती माफ करियो। वानिका बहुत देर से कोशिश कर रही है कि मुझे कोई लेके चलो, क्योंकि वानिका को घुटले तो चलना नहीं है, मोटो चलना है। तो पानी पीती है वानिका, ऐसे बता रही है कि मैं वाजे पानी पीऊंगी। वानिका पर चलने का नाम नहीं ले रही, आगे घुटलियो ऐसे पानी पी लेगी। बर्तन उठा के गिलास उठा के वानिका ने मम्मी पी लिया अपना, और मम्मी रोटी बना रही है, रोटी भी दे दो वो भी से। तो पानी लेकर आई माँ के लिए और मने करने लगी इसमें से पानी पीने के लिए। मम्मा मांगती है तो मम्मा बोलती है वानिका, गुस्सा क्यों? गिलास में पानी चाहिए बताओ, निप्पल में नहीं चाहिए।
गिलास में पानी इसको उसे लेने देते, क्योंकि ये ना गिलास में सारी भीग जाती है, गिल्ले कर लेती है कपड़े, इसीलिए इसको पानी इसमें दिया इस टाइम, क्योंकि दिन में को ये 7-8 जोड़े बदल लेती है अपने भिगा भिगा के। हाँ अब दिन छिप रहा है, अब रात हो रही है, तो अब इसको नहीं पानी देंगे, ऐसे ऐसे पानी पिलाएंगे। देखो गुस्सा गुस्सा बहुत दिखा रही है लड़की हमारी, तो भाई वानिका इसमें तो इसे इसमें घर लेगी। मम्मी मम्मी दे दो, इसे गिलास में लगाएगी अपने, हाँ इसे ऐसे गिलास में लगाएगी, तो इसको ऐसा लगेगा जैसे मैं गिलास से पानी पी रही हूँ। अपने आप लगाएगी गिलास में मम्मी, तुम्हारे हाथ से नहीं लगवाएगी। देख सारे कपड़े भी निकालने पड़ेंगे अगर पानी पिला देंगे वैसे ही। अपने आप गिलास में रखेगी मम्मी, मम्मी तुम हाथ मत लगाओ, अपने आप रखेगी गिलास में। देखो अपने आप रखेगी, इसको अपना काम खुद करना पसंद आता है। हाँ देखो, पर एक हाथ से पकड़ने डाल लेगी कैसे, ओहो बन नहीं पा रही भाई बात। ये इसमें डाल के देखेगी, ए ऐसे आई, अब खुशी मिलती है अपने हाथ से डालने से। आ आ तो खेल में लग गई भाई। गंजे गंजा है तू, गंजा है आज ही हुआ गंजा है। आजा 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 गंजे, पाल तेरे जाने दे इस पे। पेंच दिख जा, पेंच